मैं ओम के साथ आपका हमारी इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज जो नेता हमारी स्टूडियो में आने वाले हैं, वह थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है कि ऐसी महान हस्तियां जब भी कहीं जाती हैं तो कोई ना कोई हंगामा करके जरूर लौटती हैं। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि कभी, जहां ना पहुंचे कभी कभी, वहां पहुंचे आज तक की न्यूज सभी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नेताजी का। ऐसा कैसा लग रहा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। और तुम कैसा है रिपोर्टर हो यार, तुमको नमस्कार करने नहीं आता? रुको हम करके बताते हैं। माइक मुंह के पास लगाना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपने गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों के गाड़ियों में ठुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। जोर जाता है हमारे नेताजी के जवाब के लिए। भाइयों को नमस्कार एवं उनके बहनों को विशेष नमस्कार। मैं रणछोड़ दास छाछट इस क्षेत्र का नया उम्मीदवार, और जय जय मारो असाइनमेंट है असाइनमेंट नहीं नेताजी असिस्टेंट। अच्छा नेता हम है तो अच्छा देख। और जय जय हमारो सिक्योरिटी गार्डर है गार्डर तो सस्ते में आई नेताजी है सिक्योरिटी गार्डर। ओ तो नेता हम है तुम। अच्छा नेताजी के जवाब के लिए पढ़िए सर। आइए हमारी स्टूडियो आज तक में आपका स्वागत है, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अरे यार भाई तो बोल रहे हैं स्थान ग्रहण कीजिए, यहाँ चार पाई रुपाई कहाँ लगवाए हैं? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे चार पाई नहीं चेयर लगाई गई है। जो चेयर का हो छोटी चार पाई नेताजी, छोटी चार। ओ छोटी चार पाई, जय छोटी चार पाई। अरे इतनी छोटी चार पाई, इसमें तो हमारे पंख भी नहीं आएंगे। हाँ तो नेताजी हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अरे यार क्या स्टार्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी है क्या करो? साक्षात्कार नेताजी साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार, हाँ भाई चालू करो। हाँ तो नेताजी हमारा पहला सवाल है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म भाई इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में आपका जन्म हुआ? इलाका तो कुत्तों का होता है, हम इज्जतदार लोग घर में ही पैदा होते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है। हाँ भाई चार दिन के बच्चों को क्या पता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उस समय तो मेरी आंखें बंद थी। हाँ तो नेताजी थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जे जे जनरल नॉलेज क्या हो? सामान्य ज्ञान नेताजी सामान्य ज्ञान। ओ सामान्य ज्ञान, हाँ भाई पूछो। हाँ तो नेताजी ये बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा? अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा। आर्म स्ट्रॉन्ग नेताजी आर्म स्ट्रॉन्ग। नेता हम है तुम। हाँ तो नेताजी हमारा दूसरा सवाल यह है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ। हाँ क्या एक पैसे और लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम भी उसी ने रखा। जोर से तालियां नेताजी के जवाब के लिए। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि आपकी पॉलिटिक्स कैसी चल रही है? जो पॉलिटिक्स का हो राजनीति नेताजी राजनीति। वो राजनीति हमारी राम भरोसे चल रही है भाई। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं नहीं जय राम भरोसे। वो कैसे? अरे छोटी छोटी बातों को समझा करो यार, सारा काम मैं कर रहा हूँ, अंगूठा हम लगावे। जोर जाता है नेताजी के जवाब के लिए।
हाँ तो नेताजी ये बताइए कि आप जनता के लिए क्या क्या काम किए। भाई हमने जनता के लिए बहुत काम किया। बताइए भाई जनता के लिए हम बहुत काम किए। क्या क्या? जितने मर गए सबको हॉस्पिटल पहुंचवा दिए और जितने घायल हुए सबको शमशान घाट पहुंचा के आए हैं और साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं। जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है। जितने मर गए सबको 10 रुपये का मुआवजा दिया गया और जितने घायल हुए 50 रुपये का। भाई इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? जैसे डेमोक्रेसी का होगा लोकतंत्र नेताजी प्रजातंत्र। ओ लोकतंत्र प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी इसी को तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है जूता जूता। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम अपने पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि हमें भारी मतों से विजयी बनावे और जो चाय और कॉफी से ना माने उनको दारू और बिनियादी खिलाओ। नेताजी के जवाब के लिए। नेताजी ये बताइए कि पिछले महीने गांव में आग लगी थी उसमें आपके क्या सवाल थे? पुराना चिट्ठा खोलेंगे का बता दीजिए कंबल बटवाए थे। पिछले दिनों महंगाई इतनी बढ़ी है इसके क्या कारण होगा? क्या कारण? बात पलट दीजिए। क्या यार तुम भी प्रश्न करते हो मेरा दिमाग खराब करके रखती हो। मतलब कोई समझ दे रहा है क्या बोले क्या नहीं बोले? म्यूजिक कुछ भी लगवाया डीजे वजह का यार नेताजी स्टूडियो में डीजे नहीं लगवाया गया। क्यों? मोबाइल रखे हो? हाँ दिखाओ। क्या करेंगे भाई रामपति के पास कॉल करना। ये रामपति कौन है? भाई हमारी गर्लफ्रेंड की नारी गर्लफ्रेंड। अरे जो हाँ देखा अभी देखो पक्का हो गया। क्या हुआ नेताजी मोबाइल खराब है यार? नो वार्निंग है हाँ? अरे यार दूसरा मोबाइल दिखाओ यार कैमरा में मोबाइल। हाँ यार पक्का हो गया जहाँ तक। हेलो 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 हाँ रामपति देख तो ए टीवी बी टीवी सभी में कैमरे लगे हैं किन किन टीवी में आ रहा हूँ मैं। हेलो हाँ जी कहिए किससे बात करना है? हमारी रामपति से हर कुत्ते का महीने राम नगर लगा के बात करता है। लगता है कोई गलत नंबर था। सॉरी यार कोई गधा है। क्या बोला तूने? गधा बोला? अरे छोड़िए नेताजी कैसे छोड़ दे यार हम गधा थोड़ी है। पता नहीं कहां कहां से ऐसे नेता हमारे स्टूडियो में चले आते हैं। प्रिय दर्शकों हमारे इस नाटक को दिखाया जाने का सिद्धांत
केवल मनोरंजन ही नहीं, अभी तो आप सभी को अपने मतदान की ओर जागरूक करना है। जो आपका एक वोट आपके देश, राज्य और आदि की तकदीर बदल सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रस्तुति। उसे चुनिए जो पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। इस नाटक के सभी पात्र एवं घटनाएं